तो डियर स्टूडेंट आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर, मेरा नाम है आयुष। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन जो हमारा चैप्टर 3 है कंपार्टमेंट 1 शॉर्ट का पार्ट है। इससे पहले 2 चैप्टर पे हम लोगों ने झंडे गाड़ दिए हैं 1-1 घंटे में, वो चैप्टर के नाम है पॉलीनोमियल और रियल नंबर, तो उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। स्टूडेंट ये वीडियो स्पेशली कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के लिए ही है, लेकिन अगर आप मैथ का शॉर्ट रिविजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपके लिए अलग से मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाने वाला हूँ। स्टूडेंट इतिहास में यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कोई टीचर है मैं जो क्लास 10 का कंपार्टमेंट का फुल कोर्स करा रहा हूँ। 10 से 15 दिनों में सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, और आपको मैथ अगर बेसिक से भी समझ में नहीं आता होगा, ABCD भी नहीं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और आप ही के लिए जिन बच्चों को मैथ में कंपार्ट लगा है वो हमारा एक कोर्स आया है उसको जरूर ले लें, बहुत उसके लिए 100 रुपया कीमत रखी गई है, जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला सीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत कुछ दे रहे हैं, और 1 शॉट यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं, तो उसके लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिएगा। और कुछ कुछ स्टूडेंट, सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात बता दूँ जो इस वीडियो में बताऊँगा, कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा लेकिन स्टूडेंट ये बात रियलिटी है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दूँ कि जैसे कि मैं जल्दी जल्दी मैं चैप्टर करा रहा हूँ, तो मैं चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसको मैं अगर लीनियर इक्वेशन ही लिखता हूँ तो कुछ लोग यहाँ पे गाली गलौज करते हैं कि अबे तुमको पढ़ाने नहीं आता ये हो। तो स्टूडेंट ऐसे लोगों के कमेंट पढ़ के आप विचलित नहीं होइएगा कि हमने कुछ नहीं सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा। तो चैप्टर 2 है, कभी गलती से चैप्टर 3 अगर मैं बोल दूँ तो घबराइएगा मत, क्योंकि जल्दी मैं करा रहा हूँ आपको चैप्टर, लेकिन आपको जो कॉन्टेंट है, नॉलेज है, वो मैं एकदम सही दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चाहूँ तो मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा स्टूडेंट, एक चैप्टर की मैं चाहूँ तो बहुत डिटेल में कर दूँगा। एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बनाया हूँ, एक छोटी सी फार्मूला को मैंने 1.5 घंटे में समझाया, लेकिन स्टूडेंट अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उतना आपको करा सकूँ। मेरे पास तो टाइम है लेकिन आपके पास नहीं है। तो स्टूडेंट हम लोग जल्दी थोड़ा देखेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए आपको आ जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट जानिए कि वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल एक ऐसे चीज़ को कहते हैं जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तो आपको तो एक्स वाई ही पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 5 रहेगा, एक किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 6 रहेगी, किसी में एक्स की वैल्यू 10, किसी में एक्स की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट इस बात का कहने का अर्थ ये है कि मिस्टेट की वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा। लेकिन स्टूडेंट आप कांस्टेंट की यहाँ पे बात करेंगे तो कांस्टेंट मतलब होता है कि हमेशा वैल्यू सेम हो, ठीक। जैसे कि अगर आप 5 देखते हैं तो उसका आप किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू लिखते हैं 5 ही रहता है, फिजिक्स में भी 5, मैथ में भी 5, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले हमने 9th में देखा था सिंपल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का, जहाँ वेरिएबल की संख्या 1 हो, जैसे x+1=0, तो एक वेरिएबल हुआ। लेकिन स्टूडेंट हम लोग क्लास 10 में देखेंगे 2 वेरिएबल में, 2 कहने का अर्थ है जैसे एक इक्वेशन में लिखता हूँ 2x+3y=5, तो यहाँ पे x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, उसकी क्या क्या बात है। अब स्टूडेंट आते हैं थोड़े से ग्राफ पे। ग्राफ कहने का क्या मतलब है मेरा आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज वाइज आपको करा रहा हूँ, अगर आप रियल नंबर से देखना है भी आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चैप्टर 1-2 मैं करा चुका हूँ। तो स्टूडेंट 3.1 में हमें सिर्फ ग्राफ करना है, यहाँ से वीडियो देखिए और आप NCERT पे जाइए, NCERT को पूरे अच्छे से बनाइए, कोर्स लिए हैं तब आपको कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन 1 शॉट देखने के बाद आप NCERT कोर्स लिए हैं नहीं लिए तब पर भी जरूर करें। स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले नॉलेज जानते हैं, मैं सारी चीज़ों को आपको करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट ग्राफ 3 टाइप का ही बनेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफ का 2 लाइन होता है, तो फर्स्ट टाइप कैसा हो सकता है कि एक लाइन ऐसे हो, एक लाइन ऐसे हो, और कहीं बीच में एक जगह ये एक दूसरे को कट करती हो, तो ऐसे ग्राफ को स्टूडेंट हम लोग इंटरसेक्टिंग ग्राफ कहेंगे, मतलब कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता हो, और इसके जो आंसर होंगे वो 1 होंगे, 1 कहने का अर्थ है एक ही आंसर होंगे, 1 नहीं होंगे, 1 कोई नहीं समझ लेना, 1 सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन 2 हो जाते हैं, 2 डिजिट भी उसके सॉल्यूशन हो जाते हैं, तो कहने का अर्थ है कि इसका सॉल्यूशन एक ही होगा। जैसे कोई भी आप प्रॉब्लम आप ही के सामने है,
तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास दो सॉल्यूशन हो, दो रास्ते से। मान लीजिए आपको इस मंजिल पे जाना है तो आप इस रास्ते भी जा सकते हैं, इस रास्ते भी जा सकते हैं, लेकिन उसी तरह इसको कहेंगे दो रास्ते, दो सॉल्यूशन। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट ग्राफ पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक। और एक ग्राफ होगा कोइंसाइड, लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाएगा, इसको हम लोग कोइंसाइड ग्राफ कहते हैं। इसके पास मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सॉल्यूशन, क्योंकि पॉइंट पे सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट है तो एक सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई पॉइंट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन, यहाँ हर जगह टच ही कर रहा है तो मेनी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आपका इसी तीन फॉर्मेट में आएगा। आगे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जितना पढ़ा रहा उतना समझिए, बाकी बात छोड़िए। तो स्टूडेंट जब भी आप ग्राफ सॉल्व करेंगे तो ग्राफ आपको या तो ऐसा बनेगा क्वेश्चन में, ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा। अगर इन तीनों के अलावा आपका कोई भी ग्राफ बनता है स्टूडेंट, तो वो आप गलत ग्राफ बना रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। और 3.1 में हमें इसी बात को सीखना है। क्लियर स्टूडेंट, आइए जानते हैं कि 3.1 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप हमारा कोर्स ले होंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि आप कोर्स ज़रूर ले लें, क्योंकि आपका बहुत उसमें फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट लिए हैं, नहीं भी ले रहे तो वन शॉट वीडियो आप देखिए, लेकिन लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, विश्वास कीजिए स्टूडेंट। 100 रुपये उसकी कीमत है, उसमें बहुत कुछ आपको मिल रहा है। 3.1 स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए, मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। आप NCERT कीजिए, सॉल्यूशन देख के भी आप बना दीजिए NCERT, बस मैं इतना ही कहूँगा। कॉन्सेप्ट अब आपके पास आने लगा होगा स्टूडेंट। 3.1 में क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 42 नंबर पेज, यानी 42 नंबर पेज पे, रोमिला बेंटे स्टेशनरी शॉप। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, रोमिला बेंटे स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencils and 3 erasers for 9 rupees। एक रोमिला नाम की लड़की है जो एक स्टेशनरी शॉप पे, यानी कॉपी किताब की दुकान पे जाती है, 2 pencils and 3 erasers को खरीदती है 9 रुपये में। उसी की फ्रेंड सोनाली देखती है कि नया वैरायटी का पेंसिल और इरेजर है रोमिला के पास, तो वो भी 4 pencils and 6 erasers खरीदती है 18 रुपये में। तो रिप्रेजेंट कीजिए इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। सबसे पहले आइए स्टूडेंट जानते हैं कि अलजेब्रिकली क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट इस टाइप की इक्वेशन में लिखना, किसी भी आंसर को इस टाइप की इक्वेशन में लिखना को अलजेब्रिकली कहते हैं, और स्टूडेंट ग्राफिकली इसको कहते हैं। और ग्राफ के थ्रू हम आंसर को निकालें तो ग्राफिकल मेथड होता है, और इस अलजेब्रा को सॉल्व करके जैसे हम लोग बचपन में करते आए आंसर निकाले तो अलजेब्रिकली मेथड होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमें दोनों मेथड से निकालने को कहा गया, क्योंकि बोर्ड है तो सीखना तो दोनों मेथड है, कब क्या आ जाए। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी ऐसा है पेंसिल इरेजर लेने गया या आए कि ऑरेंज और एप्पल लेने गया, तो हम लोग एक को एक्स मान लेते हैं और एक को वाई मान लेते हैं। तो बस सिंपल से एक्स वाई मानिए। अब आप कहेंगे कि सर हम क्वेश्चन देखते हैं, हम समझते हैं, लेकिन हमसे मनाइए नहीं होता है। कैसे हम लोग मानने का अर्थ है, ये हमारे बिहार में बोला जाता है मानना, माना कि, लेकिन इसको अगर इंग्लिश में बोले तो लेट एज्यूम डैट, यानी कि एज्यूम कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि एक एक्स होगा और एक वाई होगा। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि सर हर क्वेश्चन में हमसे नहीं होता है, तो घबराने की बात नहीं, आप NCERT की सॉल्यूशन देखिए, बस उससे देख के उस क्वेश्चन को तो समझिए ना, NCERT करके जाइए आप, सफिशियंट है। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर मुझसे क्वाड्रेटिक में इक्वेशन नहीं हो रहा है, पॉलिनोमियल में नहीं हो रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है मिडिल टर्म। अरे तो आप NCERT सॉल्यूशन से देख के उसको सॉल्व कीजिए, उसी को दो बार कीजिए, बस आपको इक्वेशन मानने ही नहीं आ रहा है ना, इक्वेशन को लेट करने नहीं आ रहा है। इक्वेशन एक बार लेट हो जाए तो आपको सॉल्व करने तो आ रहा है, तो बस लेट करके सॉल्व कीजिए, और 10, 20, 5, 50 आप बनाएंगे, पूरे दाब के बनाइए NCERT जितना बार हो सके। तो स्टूडेंट हम लोग लेट कर लेंगे कि पेंसिल क्या है, BX और एक्स रुपया में मिल रहा है, और इरेजर भी हम लोग को Y रुपया में मिल रहा है। तो स्टूडेंट आपको जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि रोमिला है 2 pencils and 3 erasers for 9 rupees देती है, तो अब स्टूडेंट देखिए कि 2 pencils की कीमत कितनी हो जाएगी, यानी 1 pencil की 1 rupee है, तो 2 pencil का मान लीजिए एक टॉफी का दाम 1 rupee, तो 10 का 10 into 1 10 rupees,
तो इसी तरह दो पेंसिल का हो जाएगा 2x यानी 2x, और टू इरेज और माफ कीजिएगा 3 इरेजर, तो 3×y 3y हो जाएगा। अब स्टूडेंट इतना रुपया इरेजर का दाम है, इतना रुपया पेंसिल का दाम है, माफ कीजिएगा इतना पेंसिल का और इतना इरेजर का। अब बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर ये 3x कैसा रुपया होता है, ये 2x कैसा रुपया होता है, कहीं सर मोदी जी ने तो 8 बजे ऐलान तो नहीं कर दिया कि 80 रुपया 2x 3y, तो नहीं ये मैथ की भाषा की रुपया है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू कुछ जाएगी तो फिर से रुपया में आ जाएगा। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2 हो तो 2×2 = 4 रुपया, तो अगर हम फिर 2x + 3y को स्टूडेंट जोड़ते हैं तो रोमिला ने कितना दुकानदार को दिया, 9 रुपया दिया। सेम उसी टाइप से हम लोग स्टूडेंट उसी की दोस्त सोनाली में कर लेंगे, सोनाली को भी 100 रुपये दुकानदार दिया होगा, क्योंकि ये तो होलसेल चल नहीं रहा है कि आप जान पहचान के तो आपको कम में दे दें। तो सोनाली का पेंसिल 4 है तो उसका 4x, 4×x, और इरेजर 6 है तो 6y, और ये इसने 18 रुपये खर्चा किया स्टूडेंट, देखिए, और रुपया इसका डबल है, तो देखिए सामान भी डबल है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आता है यहीं पे कि अब ये अलजेब्रिकली सॉल्व हो गया स्टूडेंट, बस आप निश्चिंत हो जाए, सॉल्व हो गया ये अलजेब्रिकली, इतना ही सॉल्व करना है। लेकिन आप कहेंगे कि सर आप तो गलत बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम तो सर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बचपन में पढ़े सर ऐसे काट देते हैं, यहाँ पे साइन बदलते हैं, तो स्टूडेंट उसको सॉल्यूशन निकालना कहते हैं। तो अभी तो वो मेथड हम लोग 3.2 में पढ़ेंगे, लेकिन इक्वेशन बनाना आपको आ गया ना, बस ऐसी बुक में से देखिए, बुक में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आपसे ऐसा इक्वेशन नहीं बन रहा है, शांति मन से देखिए इस इक्वेशन को और सोचिए कि ये कैसे कैसे बनाया, हम क्या सोच रहे हैं, आपका गारंटी ले लीजिए आपका दिमाग खुल जाएगा। अब स्टूडेंट इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो बहुत सिंपल है, ग्राफ में 10th क्लास की ग्राफ बनाना बहुत आसान है, ये इसी को लीजिए स्टूडेंट, मैं ऐसे करता हूँ, और देखिए मैं ग्राफ पेपर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इसी का मैं ग्राफ बना देता हूँ। कैसे बना देता हूँ, तो देखिए बहुत सिंपल है, ग्राफ पेपर जब आप स्टूडेंट निकालेंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा होगा, और एक इस तरफ बन जाएगा, एक इस तरफ, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसा ग्राफ होता है ग्राफ की स्थिति। तो स्टूडेंट इसको हम लोग वाई कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं, इसको स्टूडेंट हम लोग एक्स डैश कहते हैं, और इसको एक्स कहते हैं। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और माइनस का इधर और माइनस का नीचे, ऐसे -1 -2 ये चलता चला जाएगा, -1 -2, जगह नहीं था तो हमने इतना ही ड्रॉ किया और बस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आपको ऐसा इक्वेशन निकालना होगा, तो इक्वेशन तो हमने निकाल लिया, बस दो बॉक्स बनाइए, एक पहले वाले इक्वेशन का और एक दूसरे वाले इक्वेशन का, ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ दीजिए एक्स, यहाँ दीजिए वाई, यहाँ दीजिए एक्स और फिर यहाँ दे दीजिए वाई, दो कॉलम यहाँ बना दीजिए। अब स्टूडेंट छोटा छोटा वैल्यू रख के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, छोटा छोटा वैल्यू रख के, मान लीजिए कि अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रख दें इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 0, तो 2×0 तो ये पूरा 0 हो गया, 3y = 9 आ गया, 3y = 9 यानी y = 3। तो अगर x का वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि हम लोग y की वैल्यू ही 0 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगी, 2x = 9, तो x = 9/2 हो जाएगा, y की वैल्यू x = 9/2 यानी कि 4.5 के आसपास, यानी 4.5 के आसपास। तो ग्राफ में भी आपको पॉइंट में ड्रॉ करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसी प्रकार इसमें कीजिए स्टूडेंट, तो x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 4×0, और 6y = 18 हो जाएगा, तो 6×3 = 18, y = 3। अब स्टूडेंट इसी प्रकार इस कॉलम को भरिए, दो दो लेना है। अब मान लीजिए कि हमने y के वैल्यू को ही 0 कर दिया, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए y के वैल्यू को 0 कर दिया तो ये 18 9/2 में यानी कि 4/5 में ये भी कट जाएगा, तो संयोग से सेम आया। बस आपको पॉइंट खोज के वहाँ लग ग्राफ में ड्रॉ कर देना है। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये 0 होता है स्टूडेंट, ये x होता है,
एक्स वाई सबके लिए जीरो। तो अगर एक्स की वैल्यू हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे जीरो रखें और देखिए वाई एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू तीन, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और स्टूडेंट आपको बता दूं कि वाई की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू 4.5, वाई की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू 4.5, ग्राफ कहीं यहाँ पे बनेगा। स्टूडेंट यहाँ वाई की वैल्यू थ्री और एक्स की वैल्यू जीरो, तो ग्राफ यहाँ बनेगा। पॉइंट जहाँ होता है ना स्टूडेंट वहाँ डालते हैं, जीरो है और इसके ठीक सामने थ्री है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू चार रहता और देखिए एक्स की वैल्यू 4.5 है, तो ये पॉइंट यहाँ है और वाई की वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ तो यही पॉइंट हो जाएगा। ये ग्राफ स्टूडेंट कुछ आपको इस प्रकार बनेगा, ऐसा बनेगा, देख लीजिए ऐसा बनेगा। तो आइए स्टूडेंट अब थ्री पॉइंट एक्सरसाइज 3.2 में चलते हैं। ठीक, अभी 3.1 का हमने एक क्वेश्चन किया। स्टूडेंट वन शॉट पे तो आप निर्भर रहिए ही, अगर आप हमारा कोर्स लिए होंगे तो आपको तो कोई कहने की बात ही नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा कीजिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चैनल है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन करा देते हैं, तो वहाँ से आप देखिए समझिए और वन शॉट से कॉन्सेप्ट लीजिए। ये नहीं कि वन शॉट के ही सिर्फ क्वेश्चनों को करना है, एनसीईआरटी को भी करना है, लेकिन हर एक चैप्टर को हम वन शॉट में करा रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले 3.2 में कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिखता हूँ। सबसे पहला स्टूडेंट अगर मैं इक्वेशन लिखूँ 2x प्लस 7y बराबर 9 यानी इक्वल टू 3x प्लस कुछ भी ले लीजिए 10y इक्वल टू 7, तो स्टूडेंट हम इसको a कहते हैं यानी a1, इसको b1 कहेंगे और इसको c1 कहेंगे, इसको a2 कहेंगे, इसको b2 कहेंगे और इसको C2 कहेंगे। स्टूडेंट कभी भी ऐसा इक्वेशन दिया रहे तो 3.2 का ये कॉन्सेप्ट एक मैं आपको बता देता हूँ। आपके इक्वेशन को क्या करना है, कुछ ऐसे लिखना है 2x प्लस 7y और 9 को इस तरफ लेके आना है, इस पार मतलब दिस साइड, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। कुछ भारी बात नहीं है स्टूडेंट, जैसे देखिए 2x प्लस 7y इक्वल टू 9, तो 2x प्लस 7y और 9 इधर आ गया इक्वल टू में कुछ नहीं तो 0, वही लिखा। इसी प्रकार इसको भी हम वैसे कर देंगे। तो अब हमारे स्टूडेंट A1 ये हुआ, B1 ये हुआ, C1 ये हुआ विथ साइन आप सोच के चलें। तो A1 ये माफ़ कीजिएगा A2 ये हुआ, B2 ये हुआ और C2 ये हुआ। स्टूडेंट तीन फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला फार्मूला स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपको, देखिए सबसे पहला फार्मूला, अगर A1 बाई A2 आप लिख दें और नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, इसका मतलब होता है इसकी इक्वल टू नहीं। मान लीजिए आपके पास 5 रुपया और आपके दोस्त के पास 10 रुपया, तो हम लिखेंगे ऐसे, यानी आप अपने दोस्त की इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू। तो कोई भी इक्वेशन दिया होगा आपको कुछ इस टाइप का, तो बस यहाँ से A1 उठाइए विद साइन और नीचे A2 लिखिए, नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ रहा है, तो समझिए कि जो भी इसका आंसर होगा वन सॉल्यूशन होगा। बस अभी इसको याद रखिए, क्वेश्चन बनाऊंगा तो सब बताऊंगा, वन सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा एक जगह इंटरसेक्टिंग होने वाला। अब देखिए इस इक्वेशन का A1 क्या है, तो प्लस 2 तो 2, A2 क्या है प्लस 3 तो 3। अब B1 B2 डाल के देखिए प्लस 7 और प्लस 10 है, तो 7/10 B1 B2 नॉट इक्वल है, मतलब इसका वन सॉल्यूशन होगा। देखिए 2/3 7/10 आपस में इक्वल है नहीं। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होगा 20/30, तो इसको पहले काट काट के छोटा कीजिएगा, 2 10 2, ऐसे टाइप से आपको छोटा करना होगा, ठीक 2 15 ऐसे, तब देखना होगा अभी भी कट रहा है तो इसको काटेंगे। अब देखेंगे 2/3 × 7/10 काट काट के छोटा करना। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर आपका A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 हो इक्वल टू C1 बाई C2, तो समझ जाइएगा कि इसका बहुत सॉल्यूशन होगा, ग्राफ एक लाइन पे ही दूसरा लाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें आप देखिए, जैसे यहाँ से वैल्यू आप उठा के रखते हैं तो 2/3 B1 7/10 C1 -9/-7, तो क्या ये आपस में 2/3 7/2 इक्वल है, कोई इक्वल नहीं स्टूडेंट, तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर तीनों आपस में इक्वल हो, कुछ ऐसा हो, मान लीजिए लिखे तो 2/3
इधर आ जाए 20/30, इधर आ जाए 6/9। तो देखिए इसको करेंगे तो EV2/3 आएगा, EV2/3 आएगा, तो आपस में सारे इक्वल हो गए, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब स्टूडेंट दूसरी बात कि अगर A1/A2 = B1/B2 हो जाए लेकिन ≠ C1/C2, ये दोनों आपस में इक्वल हो लेकिन ये दोनों कोई भी के ये इक्वल ना हो, तो इसका स्टूडेंट कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैरेलल लाइन का बनेगा। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने देखा स्टूडेंट। एक ग्राफ अभी मैंने बताया 3.1 में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन और करा देता हूँ, और आप NCERT बनाइए, NCERT बनाइए, फालतू के वीडियो मत देखिए कंपार्ट कैंसिल कराने वाले के, क्योंकि कोई कैंसिल वैंसल होने वाला नहीं है, और अभी बहुत सारे बच्चे गुस्सा होकर इधर गाली लिख देंगे। तो आज देखिए जेई मेन नीट के एग्ज़ाम शुरू हो गए, और स्टूडेंट दावा कीजिए जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, अगर आप हमें कोस रहे होंगे कि सर आप गलत कह रहे हैं कि हाँ कंपार्ट कैंसिल होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, मैं इसी के भरोसे रहूंगा, तो यकीन मानो स्टूडेंट जो लोग ट्वीट करके कैंसिल करवा रहे हैं ना, वो कभी आपको नहीं पढ़ा सकते, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए करा रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है, तो क्या पढ़ाएंगे, खाक पढ़ाएंगे और आपको अंधेरे में रखेंगे, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको 400-500 के नोट्स बेच के और झूठ फूट का आप फंस जाएंगे उसमें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, बहिष्कार क्या करें, जिसको लगना है लगे, आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे विश्वास है यहाँ तक आप देखें वीडियो तो, इसलिए स्टूडेंट आप पढ़ें, और स्टूडेंट हमारी कोर्स भी आ गई है तो आप उसको भी लीजिए ज़रूर। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, 47 पेज नंबर में, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है चेक ग्राफिकली पेयर ऑफ इक्वेशन को, ग्राफ से चेक करना है, यानी ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने, तो बहुत आसान है, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना काफ़ी इजी होता है। और देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख के निकाल देता हूँ, आप NCERT बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, जी जान लगा देंगे, पर डे एक चैप्टर का टारगेट रख के बनाइए। 2, अब ऐसे जब भी इक्वेशन हुए स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या कम करना है, दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाने से पहले ऐसे दो कॉलम बना लेने हैं, एक्स वाई लिख लेना है, यहाँ पे दो कॉलम। अब स्टूडेंट आपको वैल्यू पुट कर करके देखना है, छोटे छोटे वैल्यू, अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू हमने 0 पुट किया, तो वाई की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, तो एक्स 0 है तो 0+3y = 6, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/3 कट गया 2 बार में, यानी वाई की वैल्यू 2। अगर मान लीजिए स्टूडेंट हम वाई की वैल्यू ही 0 डाल दें, तो ये 0 हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6। सेम उसी तरह यहाँ करना है, यहाँ पे मान लीजिए एक्स की वैल्यू हम 0 डालें, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, यानी -4 आ जाएगी। आप देखना वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, तो 0-3y = 12, यानी y = 12/-3 -4, यही करना होता है, छोटा छोटा वैल्यू डालिए 1, 2, वाई की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट बस ऐसा हम लोग को बना लेना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर आपने ये कैसे कर दिया, बहुत सिंपल है, इक्वेशन लीजिए, उसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कीजिए पहले, दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हो गए 1, 2, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्स और वाई यहाँ 2 वेरिएबल है। आपको क्या करना है स्टूडेंट कि दोनों इक्वेशन का अलग अलग बॉक्स बनाना है, इसका हमने यहाँ बनाया और इसका यहाँ बनाया, बहुत सिंपल बात, एक्स की वैल्यू हमने अपने मन से पुट करना रहता है, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन 1,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़ को तो हम ग्राफ में लेंगे नहीं, इसलिए हम छोटा छोटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पुट कर करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू जब 0 डाली तो ये 0 हो गया, तो 3y = 6, तो बचपन में ही आपने पढ़ा होगा 3y = 6, तो y = 6/3, यानी 2, यानी एक्स की वैल्यू 0 डालने पर वाई की वैल्यू 2 आती है, पुट कर दिया। इसी प्रकार सब कर लेना है स्टूडेंट, और आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना, अभी तो मेरे पास ग्राफ कॉपी है नहीं, तो कुछ इस प्रकार ऐसे ग्राफ बनता है, इसको स्टूडेंट हम लोग वाई कहते हैं इसको, और नीचे वाला जो यहाँ पे इसको हम लोग वाई डैश कहते हैं, ठीक, इसको स्टूडेंट हम लोगों ने एक्स का नाम दिया और इसको एक्स डैश का नाम दिया, हम यहाँ पे छोटे छोटे अंक पुरा लेंगे, 6 हमारा हाईएस्ट है तो 6 होना चाहिए ग्राफ में, 4, 5 और 6 मान लीजिए यहाँ कहीं, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 6,
इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है, यहाँ ये जीरो होता है सबके लिए। तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और हमारा हाईएस्ट माइनस फोर है, तो आप इधर माइनस फोर तक भी छोड़ सकते हैं। माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, देखिए स्टूडेंट ऐसे आप सिक्स तक जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ भी सकते हैं। अब ऐसा हम लोगों ने स्टूडेंट किया। अब देखिए स्टूडेंट आपको क्या काम करना है कि ये ग्राफ को बड़े ध्यान से देखना है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं जूम हटाता हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ तो स्टूडेंट ये देखिए आप, आपको क्या काम करना है, एक इक्वेशन को उठाना है। मान लीजिए हमने इस इक्वेशन को उठाया, तो देखिए एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो पे पहुँच गए, क्योंकि एक्स वाई जेड का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है बहुत सिंपल है, ध्यान से सीखिएगा। ये ग्राफ आप तो इतना तो समझ में आ गया, ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है शांति से वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगी, बहुत शांति से पीसफुल माइंड से। इसको उठाइए पहले, एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो है हम पहुंच गए, और वाई की वैल्यू टू है तो वाई की तरफ चलने। अब वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू टू है, टू की तरफ हम लोग को चलना है। अब टू पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है तो ऊपर चलना है, तो हम चले यहाँ तक टू पे पॉइंट कर दीजिए, समझ में आया। उसी प्रकार स्टूडेंट y की वैल्यू जीरो है तो जीरो सबके लिए यहाँ है, और x की वैल्यू सिक्स है तो x की वैल्यू सिक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है हमको ये पता करना है। तो x की वैल्यू सिक्स पॉजिटिव है तो हमें इस तरफ चलना है और यहाँ लगा देना है। अब स्टूडेंट क्या काम करना है आपको, एक यहाँ पे लाइन खींच देना है, बस इसको हम लोग स्टूडेंट नाम दे देंगे जीरो टू, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की, और इसको दे देंगे जीरो सिक्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हमने स्टूडेंट सीखा। अब स्टूडेंट इसी टाइप से आपको इसको ड्रॉ कर लेना है, बड़ा सिंपल है, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू माइनस फोर, तो माइनस फोर नीचे है तो हम नीचे की तरफ चलेंगे, और यहाँ एक्स की वैल्यू सिक्स है तो देखिए पॉजिटिव सिक्स, और y की वैल्यू जीरो है तो यहाँ चलिए, तो ये ग्राफ क्या कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, बन गया। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू टू रहती और y की वैल्यू मान लीजिए कुछ फाइव रहती, तो हम लोग क्या करते, x का खोज लेते टू यहाँ पे, y फाइव पॉजिटिव की तरफ क्या है, तो ऐसे नहीं चलेंगे, x की टू यहाँ पे है, x का पॉइंट पकड़िए और चल जाइए y की तरफ, y x की वैल्यू टू तो टू, और y की वैल्यू फाइव कहाँ है, पॉजिटिव फाइव यहाँ है, तो ऐसे करते और यहाँ पॉइंट देते, न कि ऐसे चल जाते यहाँ पे पॉइंट देते। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट ग्राफ का, बहुत सिंपल है, और इक्वेशन के नाम लिख दीजिए, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सिक्स का ग्राफ है, और टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर कितना दिया हुआ, ट्वेल्व का ये ग्राफ, तो ये सिंपल सा है। और स्टूडेंट मैं बता दूं कि 3.2 पूरी इसी पे निर्भर है, देखिए 3.2 आपको थोड़ा सा समझा दूं। सबसे पहले ये देखिए टू नंबर ऑन कंपेयरिंग करना है A1 B2 C3, तो यहाँ से स्टूडेंट सारे क्वेश्चनों के आपके A1 B1 B2 C3 सारे कुछ गिवन है, ये देखिए A1 B1 B2 C2, और जो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताए हैं फॉर्मूला वाले ये A1 बाई B1 कैसे करते हैं, तो उस पर ये क्वेश्चन बन जाएगा, और उससे पता कर लीजिए कि पैरेलल है कि कोइंसाइड कर रहा है ग्राफ या इंटरसेक्टिंग है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। ये देखिए स्टूडेंट A1 B1 वाला बताया था ना, इसी पे ये दो नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 3.2 में इतना ही कॉन्सेप्ट जरूरी है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट अब 3.2 में नहीं, ठीक। तो अभी आप 3.2 में थे, तो आइए अब थोड़ा सा और जानते हैं। अब स्टूडेंट देखिए एक नया पेज मैं लेता हूं अभी, तो देखिए स्टूडेंट अभी एक सेकेंड आप रुके, थोड़ा सा सेटअप ठीक कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट देखिए 3.2 आपसे पूरा बन जाएगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजी चैप्टर है, कोशिश करिए बनाइए, एग्जांपल सब सॉल्व कीजिए। अब स्टूडेंट
अब हमें अलजेब्रिकली मेथड सीखना है इसका। अलजेब्रिकली मेथड सीखने का मतलब ये है कि अलजेब्रा के माध्यम से हम ग्राफ निकालेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया, माफ़ कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, ग्राफ जब भी आपका बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, या तो ऐसा कहीं भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, नहीं तो ऐसा पैरेलल होगा, नहीं तो एक ही लाइन पे दूसरा लाइन बन जाएगा। तो हमारा देखिए एक जगह इंटरसेक्ट हुआ तो हमारा ग्राफ सही है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ वही इसका आंसर होता है, यानी 0 6। तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू सिक्स इसका आंसर हो गया जहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाए। देखिए एक लाइन ऐसे था और एक लाइन ऐसे, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ इसलिए ये जीरो, पहले एक्स का वैल्यू यहाँ लिखाता है तो एक्स की वैल्यू जीरो थी, वाई की वैल्यू सिक्स, तो जीरो और सिक्स हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब स्टूडेंट आइए जानते हैं 3.3 की चलप चलते हैं और एक एक क्वेश्चन सारे मेथड के देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अलजेब्रिकली सॉल्व कहने का अर्थ है कि मतलब अलजेब्रा से यानी मैथ से एक्स वाई की वैल्यू मैथमेटिकल ढंग से हम लोग निकालेंगे सॉल्विंग कर करके। तो उसके तीन मेथड हैं। सबसे पहला स्टूडेंट मेथड आपको पढ़ना है, जो मेथड है, एक थोड़ा सा कैमरा मैं ठीक करूँ स्टूडेंट, हाँ, सबसे पहला जो आपको मेथड पढ़ना है वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ स्टूडेंट। दूसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है हमारा स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको तीनों मेथड पढ़ना जरूरी है क्योंकि तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन किसी भी मेथड से आ जाते हैं। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा जैसे 7x-15y = 2 और x+2y = 3। स्टूडेंट बता दूं कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना दिया हो, क्वेश्चन के रूप में इक्वेशन दिया हो, जैसे अभी देख ले दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। स्टूडेंट ये देखिए, ये क्वेश्चन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो स्टूडेंट जब आप ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका भी इक्वेशन ऐसा बनेगा, तो ऐसे इक्वेशन में लाना होगा। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत वाला क्वेश्चन में देखा कि एक रमोला है जो ये अपना पेन और इरेजर खरीदने जाती है, तो कैसे उसको हमने इक्वेशन में बदला, उसी टाइप से इक्वेशन में बदलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम उसको कहते हैं। तो पहले आप इक्वेशन में बदल लें और तब सॉल्व करें, अगर इक्वेशन में दिया हो तो डायरेक्ट सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्व सीधा एक्स वाई की वैल्यू पूछे तो आपको जो मेथड से अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर पार्टिकुलरली कोई मेथड मेंशन हुआ तो आप उससे करेंगे। तो आप ही देखिए स्टूडेंट, इस मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल मेथड होता है। सबसे पहले अगर ये इक्वेशन दिया हो तो आपको इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, और कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई भी आपकी जो इच्छा हो, सॉल्विंग इक्वेशन। तो वही बताया स्टूडेंट कि उसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे रमोना थी, बाजार जा रही थी, 2 इरेजर खरीदी इतना रुपया में, तो बाद में हम लोगों ने उसको इक्वेशन में बदला था, उसी टाइप से इसको भी हम लोग इक्वेशन में बदलेंगे वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा, तब बनाएंगे। तो घबराइएगा नहीं कि वो सर आपने नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है, 3.2 मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो सॉल्विंग इक्वेशन कर देंगे तो हम 2 को सॉल्व कर रहे हैं, बी गेट। अब देखिए स्टूडेंट, x+2y = 3 है तो हमको जो मान, तो यहाँ सिंपल x लग रहा है मुझे, तो मैं x को x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x बराबर मैं 3-2y कह सकता हूँ, ये मैथ की भाषा, x बराबर ये +2y को मैंने उधर भेज दिया 3y। अब इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब जो है स्टूडेंट क्या करना है कि इस वैल्यू को हमें जो इक्वेशन छोड़े हुए उसमें पुट कर देना है। तो हमने इसको सॉल्व किया है लेकर, तो ये जो वैल्यू x की आएगी उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, आप y की भी निकाल सकते, तो सिंपल सा पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ ये पुट कर दीजिए। तो देखिए 7x-15y था, तो बस ये वैल्यू निकालना है, इस इक्वेशन को लेकर निकालें ये वैल्यू, तो इसके सिवा जो दूसरा इक्वेशन है उसमें हम लोगों ने पुट किया, 7x की जगह हमने ऐसे लिख दिया -15y = 2। अब देखिए 7 3 = 21, माइनस प्लस का साइन माइनस, 7 2 = 14y, -15y = 2। अब देखिए 21 -14y और -15, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, 7 3 = 21 प्लस और माइनस का साइन माइनस, फिर 7 2 = 14y,
और सेवन और ये माइनस फिफ्टीन वाई का माइनस फिफ्टीन वाई, ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन वाई और माइनस फिफ्टीन वाई यानी कि माइनस ट्वेंटी वाई हो जाएगा, ट्वेंटी नाइन वाई बराबर टू स्टूडेंट माइनस ट्वेंटी नाइन वाई इक्वल टू टू बाई ट्वेंटी वन, ये ट्वेंटी वन को हमने उधर भेजा, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट सॉरी, ये थोड़ा सा कैमरा नहीं दिख रहा तो मैं देख ऊपर रहा हूँ पढ़ा नीचे रहा, तो ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी नाइन वाई बराबर टू, तो माइनस ट्वेंटी नाइन वाई बराबर हम लोग टू और ये प्लस इक्कीस है इधर तो इधर जाएगा तो माइनस इक्कीस, ये माइनस ट्वेंटी नाइन इक्वल वाई बराबर नाइन माइनस नाइनटीन हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल वाई इक्वल टू नाइनटीन बाई ट्वेंटी नाइन, हमें वाई की वैल्यू आ गई, देखा आपने वाई की वैल्यू आ गई। बस y की वैल्यू को अब किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए हम इसने इसी में किया, अब लिखिएगा यहाँ यहाँ जो है ना स्टूडेंट आप लोग यही करते कि टीचर हम लोग नहीं लिखते तो आप भी नहीं, यहाँ लिखिए कि b गेट y की वैल्यू इतना पुट इन इक्वेशन टू, तो देखिए इक्वेशन टू में अभी पुट करके बताता हूँ, तो अब देखिए x प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर थ्री था तो x प्लस टू वाई की जगह हमने ट्वेंटी नाइन बाई नाइनटीन बाई ट्वेंटी नाइन डाला बराबर थ्री, तो x प्लस थर्टी एट नाइनटीन टू जा बट्टा ट्वेंटी नाइन बराबर थ्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई थ्री बाई सॉरी थ्री और ये थर्टी एट बाई ट्वेंटी नाइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, बस इसको आगे सॉल्व कर देंगे बट्टा पी का जोड़ घटाव जिसको कहते हैं यानी फ्रैक्शन का ऐड सबट्रैक्शन है, ट्वेंटी नाइन एल सी एम हो गया ट्वेंटी नाइन थ्री जा, काफ़ी कैलकुलेशन स्टूडेंट यहाँ पे होगा तो आप देखेंगे कि ट्वेंटी नाइन थ्री जा कितना होता है एट्टी सेवन माइनस थर्टी एट, तो एक्स बराबर आपको आ जाएगा कितना 49 बाई ट्वेंटी नाइन, ये एक्स बराबर वैल्यू आ गया। तो ऐसे मेथड से जो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व होता है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आइए स्टूडेंट इस पर तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, अब दूसरा जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन बनाते रहिएगा, और जो बच्चे कोर्स इनरोल किए हैं तो उनको तो क्वेश्चन मिल ही गया होगा तो वो भी बनाते रहें। चलिए स्टूडेंट दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड, बच्चों बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लिया है आप ही लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, अब आप कहेंगे कि सर उसके लिए आपने हंड्रेड रुपया चार्ज किया, देखिए वीडियो बनाना सबसे मुश्किल होता है स्टूडेंट, मैं दावा के साथ कहता हूँ YouTube के इतिहास में जो भी आपको जो कंपार्ट कैंसिल कराने वाला है उसकी औकात ही नहीं है कि वो पूरी वीडियो बना दे, और मैं पूरी चैप्टर की वीडियो डालने वाला हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है स्टूडेंट, मैं मुझे आता है पढ़ाना और मैं कोई नया नहीं हूँ, तीन चार साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अपने शौक से पैसन से, लेकिन स्टूडेंट बात ये है कि जो हम लोग दे रहे हैं कॉन्टेंट उसमें स्टूडेंट बहुत सेंचुरी पर हम लोगों ने लिखा है उसको A4 साइज पेपर पे बहुत मेहनत लगा है इसलिए कुछ रुपया स्टूडेंट ने ही कहा है स्टूडेंट, पहली बात मैं कहता हूँ कुछ जिन्होंने लिया है उनमें से आधे बच्चे ने कहा था कि सर कुछ रुपया रखिए आप मिनिमम 500 रखिए इतना रखिए, हम वन कुछ ने कहा कि सर आप वन शॉट के हज़ार रुपये चार्ज कर दीजिए, मैंने कहा नहीं वन शॉट मैं फ्री में दूंगा, और जो बच्चे कोर्स लिए उनमें शॉर्ट नोट्स अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट आपको एक टारगेट के थ्रू एक गाइडर के थ्रू मैं काम करा रहा हूँ, 100 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है स्टूडेंट, तो कुछ लोग यहाँ लिख देते हैं कि गाली ग्लॉस, तो वीडियो डालना सबसे बड़ी बात है जो मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं आपको इतिहास में डालेगा, और कंपार्टमेंट होने से पहले पूरी चैप्टर स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी जो आपका लास्ट चैप्टर है वहाँ तक मैं कंप्लीट करा दूँगा, और करा ही रहा हूँ अभी तीन चार दिन पहले स्टार्ट किया, आज तीसरा चैप्टर समाप्त हो रहा है आपका, छोड़िए स्टूडेंट जिसको कहना कहने दीजिए, अगर आपको लेना है कोर्स तो आप जरूर लीजिए, अधिक जानकारी के लिए आप लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। स्टूडेंट आपको बता दूं कि एलिमिनेशन मेथड कहने का अर्थ ये है कि एलिमिनेट कर करके, जैसे कि आप अगर एनसीईआरटी में 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे तो दिक्कत कितनी होती है स्टूडेंट आप खुद समझ सकते हैं, बहुत दिक्कत से मैं शूट करता हूँ, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% 9:7, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, ईच ऑफ देम मैनेज 2000 पर मंथ यानी 2000, फाइंड द मंथली इनकम। स्टूडेंट इसी तरह वर्ड में आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, सेम वर्ड में आपको इसको इक्वेशन में बनाना है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या किया कि एक आदमी दो आदमी की इनकम, मतलब कि दो व्यक्ति हैं यानी आप ही के पिताजी हैं और आपके पिताजी के दोस्त हैं, तो उनकी जो रेशियो है इनकम की वो 9:7 है, तो
9:7 है और खर्चा करते हैं 4:3 और दोनों के बीच के अंतर है 2000। मतलब कि जैसे देखिए स्टूडेंट, 9:7 है, मान लीजिए कि आपके पिताजी 9000 रुपये मंथली कमाते और आपके पिताजी के दोस्त 7000 रुपये मंथली कमाते, 4000 आपके पिताजी खर्चा करते और आपके पिताजी के दोस्त 3000 रुपये खर्चा करते, तो दोनों के इनकम के बीच की भी जो कमी है वो 2000 रुपये की होनी चाहिए और दोनों के खर्चे के बीच की भी कमी 2000 रुपये होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पिताजी 9000 कमाते हैं तो आपके पिताजी के दोस्त 7000 कमाने चाहिए, आपके पिताजी 4000 खर्चा करते हैं तो आपके पिताजी के दोस्त कितने खर्चा करने चाहिए, 2000। तो कमाई की भी अंतर दोनों दोस्तों में 2000 और खर्चा की भी अंतर 2000। तो ऐसे ही क्वेश्चनों में हम लोग स्टूडेंट हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 9x एंड 7x, क्योंकि 9:7 है और जब भी रेशियो का सवाल है आपको एक्स वाई में मानना ही पड़ेगा, तो 9x और 7x माना। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि सर पेंसिल रबर कटर का रहता है तो वहाँ तो रेशियो रहता है, तो हम लोग एक्स वाई दोनों में मानते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट दोनों इनकम ही है, तो दोनों इनकम है तो उसको इनकम ही ना बोलेंगे, उसको तो डुनकम नहीं बोलेंगे, इसलिए दोनों को एक्स में रखा। और लेट हम लोग कर लेते हैं एक्सपेंडिचर कि उन्होंने खर्चा किया 4:3 यानी कि 4y और 3y। अब देखिए स्टूडेंट 9x कमाई और 4y खर्चा, तो 9x में से 4y खर्चा कर दिए तो बचा कितना, 2000। ऐसा बुक में खुद कहा है कि इनकम और खर्चे के बीच का अंतर 2000 है और आपके पिताजी के दोस्त जिनकी 7x कमाई है और खर्चा 3y है यानी कि एक्सपेंडिचर, उनकी भी बचत 2000 रुपये होती है। हो सकता है स्टूडेंट अब आपका दिमाग चकराया होगा कि सर ये 2000 कैसे बचेगा, मान लीजिए कि आपके पिताजी का कमाई 60000 है और आपके पिताजी 58000 खर्चा कर देते आप, तो 2000 उनको बच रहा है। अब किसी की कमाई है 10000 है, वो 8000 खर्चा करेगा तो भी तो उसको 2000 बच रहा है। बस स्टूडेंट ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करने के भी 2-3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी मैंने बताया, लेकिन अगर बोर्ड में मेंटेन नहीं हो स्टूडेंट कि सब्स्टिट्यूशन से करना है एलिमिनेशन से करना है, तो सिंपल सा आप सीधा जो आपको सुविधा लगे उससे कर दीजिए, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन से करना है क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं। अब देखिए एलिमिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि या तो एक्स और या तो वाई के वैल्यू को एलिमिनेट कर देना रहता है यानी कि हटा देना रहता है। सबसे पहले स्टूडेंट देख लीजिएगा कि यहाँ दोनों साइन एक है कि नहीं, तो कुछ और मेथड लगे, मतलब थोड़ा सा एक ट्रिक लगता है, ट्रिक नहीं कहेंगे तरीका है जो मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा। दोनों साइन सेम है ठीक है। अब स्टूडेंट इन दोनों में हम क्या चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऑन व्हाट नंबर वी कैन मल्टीप्लाई कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर कैसे इक्वल हो जाएगा, तो देखिए 4y में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 जाइए -12y हो जाएगा और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 जा -12y हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 3 यहाँ है तो 3 यहाँ, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ, नहीं ऐसा बात नहीं है, संयोग से इत्तेफाक से यहाँ मिल गया, नहीं तो ये दोनों को बराबर कीजिए। यहाँ पे मैं चाहूँ तो और बराबर कर सकता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 और यहाँ पे मैं 8 से कर दूँ तो ये भी 24, तो 6 8 भी होगा लेकिन छोटा छोटा लेते हैं। तो स्टूडेंट ऊपर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 4 से, तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई इसी में नहीं होगा, सब में होगा। तो 3 से 9 में हुआ तो 27x माइनस 3 से 4 में हुआ तो 12y और यहाँ हुआ तो 2000 का 3 गुना यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6000। उसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे 28x माइनस 12y 4 3 जा और 4 7 जा 28y बराबर 4 2 जा 6 है, ये दोनों आपस में मिला ये संयोग है। अब देखिए स्टूडेंट इसी को कहते हैं एलिमिनेशन, बचपन में सीखे होंगे कटा काटने वाला चीज। अब देखिए एस एलिमिनेशन में बस यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, देखिए ये प्लस में है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। ये काट देते थे सर लोग, समझे में नहीं आता था आपको, बस कुछ नहीं है साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस में है माइनस कीजिए। अब देखिए -6000 मतलब माफ़ कीजिएगा ये सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये 4 2 जा 8000 हो जाएगा ठीक।
घबराइए नहीं, छोटी छोटी भूल, देखिए एक ऐसी छोटी सी भूल हो गई तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिख दी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कितनी छोटी सी चीज़ है 4×2 मल्टीप्लाई करना है। कोई टीचर आपको 10th की मैथ की पूरी कोर्स कराने का दावा कर रहा है और करा भी रहा है, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ स्टूडेंट, आज तीसरा चैप्टर है, तो उसको ये 4×2 नहीं आता होगा। आप पैसा सोच लेते जो लोग ऐसा गाली लिखते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, कोई और अपने दिल पे नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को देख रहे हैं और लगभग 100 बच्चे देख रहे हैं, 150 बच्चे देख रहे हैं, जिनमें से 60-70 बच्चों ने कोर्स ली है। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो 4×2 हमको नहीं आएगा मल्टीप्लाई कर, गाली लिख दिए। अरे देखिए कंपार्ट है, एक कोई एक साल का कोर्स मैं आपको वन शॉट में करा रहा हूँ, 10 से 15 दिन में करा दूंगा, तो छोटी छोटी गलतियाँ हैं उसको आप नज़रअंदाज करिएगा। और मुझे खुशी होती है कि आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, तो और अच्छा बात है कि लिखिए कि सर हमने ये खोजा। मैं चैलेंज करता हूँ एवरी बच्चे करे ये सब काम, अच्छा लगता है, हाँ सर यहाँ पे ये होता, आपने थोड़ा ये गलत बता दिया, हम भी सीखे कि हाँ कहाँ गलत बता दिए, और दिल को सुकून मिलता है कि हाँ चलो हमसे जो बच्चा पढ़ रहा है उसने गलतियाँ खोजी है, मतलब वो पढ़ रहा है, बड़े मन लगा के पढ़ रहा है, बस गाली के थ्रू नहीं बताइए उसको, थोड़ा सम्मान के साथ लिखिए स्टूडेंट। तो 8000 बस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए स्टूडेंट, 6000 को और 8000 को, अब यहीं पे बहुत बच्चे कंफ्यूज, सर माइनस है तो हम प्लस करें क्या करें, बस ऐसा कीजिए 6000 और 8000 को आप एक जगह मिलाइएगा तो क्या होगा, 6000 रुपये आपके पास है और माइनस 8000 आपके पास आ जाएगा, यानी आप 2000 कर्जे में डूबे रहे कि नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, -2000, -12 हुआ ही। और अब ई साइन भूल जाइए स्टूडेंट, ये प्लस भूल जाइए यहाँ का, ये माइनस यहाँ का भूल जाइए, घसीएगा नहीं एग्जाम में, ये प्लस था यहाँ पे कुछ नहीं रहता था प्लस, इसको भूल जाइए। अब देखिए -12 हुआ और +12 हुआ आपस में टकरा के शून्य हो जाएगा 0, 27x प्लस में और 28x माइनस में, ये साइन इसीलिए चेंज नहीं करते कि अभी साइन का कोई वैल्यू नहीं, ऊपर वाला का साइन का तो ये वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको घसीएगा नहीं स्टूडेंट, वहाँ पे ये समझाया मैंने। देखिए 27x और 28x माइनस में, तो एक जगह मिलाएंगे तो क्या होगा, -x कर्जे में रहेंगे, 1x 27x में से 28x जाएगा तो 1x कर्जा में रहेगा, तो 1x को हम लोग 1x नहीं सीधा x लिखते हैं, माइनस है तो माइनस। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ कैंसिल होगा, देखिए x की वैल्यू आ गई 2000 स्टूडेंट। अब x की वैल्यू को 2000 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट करिए, ये इक्वेशन बनाइएगा ना स्टूडेंट, इसको लिखिएगा इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। और अगेन मैं कहता हूँ थोड़ा टाइम कम है तो क्यों ना हम कम ही देर में अच्छा अच्छा चीज़ों को सीखे, कम ही देर में ज़्यादा सीखे। तो आप देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 बी गेट इतना, ये सब इंग्लिश थोड़ा आप वहाँ पे लिखें, बस एक्स बराबर 2000 माफ़ कीजिएगा, आप कहीं भी पुट कर दीजिए, मान लीजिए हमने इस इक्वेशन में पुट किया 9x माइनस 4y बराबर 2000, तो देखिए 2000 मैं पुट करता हूँ तो क्या होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, एक्स माफ़ कीजिएगा ये स्टूडेंट, ये हाँ ये 2000 तो ठीक है, 9 और x की वैल्यू 2000, तो यहाँ लिखा हमने 4y बराबर 2000, ये 2000 एक जगह संयोग से आ रहा 18000 इधर, -4y बराबर 2000, तो 18000 यहाँ पे हमने लिखा, तो -4y बराबर 2000 में से 18000 इधर जाके घटेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना 16000 यानी 16000 -4y यानी माइनस ये कट गया, यानी कि y बराबर 16000 बराबर बट्टा जगह नहीं है स्टूडेंट, आप सीख ले कोई भी में पुट कर दे आपका बन जाएगा, y बराबर 16000 बट्टा 4×2 से कट गया 8000 यानी -4000 यहाँ पे स्टूडेंट किसकी वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू होगी ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू 4000 रुपये होगी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस मुझसे यहाँ पे गलती से डला गया, तो आप घबराइए नहीं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक कॉमन सेंस की मैं आपको बात बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड में, किस किन बच्चों का होता क्या है कि x बराबर आ जाता है वैल्यू -2000 और y बराबर आ जाता है -4000, तो देखिए ये खर्चा है, रुपया कमाना है, तो ये माइनस में थोड़ी कमाया जाएगा, तो इसको आप अपने प्लस में मान लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट x y की वैल्यू आ गई,
तो अब हमसे पूछ रहा था इनकम बताइए, किन की इनकम बताइए भाई, तो गार्जियन की बताइए। तो देखिए पहले वाले अंकल जी की इनकम कितनी थी, आपके पापा की इनकम कितनी थी, तो 9x यानी 9 × x की वैल्यू कितना है 2000। तो यहाँ आपके पिताजी की इनकम कितनी होगी 18000, और आपके पापा की दोस्त की कितनी थी 7x, तो कितना हुआ 7 × x की वैल्यू 2000। एक्स वाई के वैल्यू निकालने के बाद फिर यहाँ पुट कीजिए 14000 आपके उनकी इनकम आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो घबराना नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको आराम से बनाना है। खर्चा का भी जोड़ लीजिए, आपका खर्चा था 4x 4y, तो y की वैल्यू 4000 यानी 16000 आपका हुआ। 4y बराबर y की वैल्यू आप पुट कर देंगे और उनकी थी कितनी 3y यानी कि 3 × y की वैल्यू 4000 यानी कितना हुआ 12000। और देखिए दोनों का आप घटाइए तो ये 14000 आप यहाँ घटा के देखिए, समझ में आएगा। छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर स्टूडेंट गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी इसी मेथड से बनेगा। चलिए स्टूडेंट अंतिम मेथड जानते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत आसान है, बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, आपका बन जाएगा। ठीक है आइए जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बड़ा सिंपल मेथड है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सीखना है, ये बहुत डिटेल में है, आपको बुक में कुछ ऐसा दिया होगा तो अभी मैं ये बताऊंगा नहीं, लेकिन आप घबरा जाएंगे कि सर आपने नहीं बताया ये वो, तो घबराइए मत, थोड़ी सी मेरे बात पे कोशिश गौर कीजिएगा, मैं कुछ सोच ही समझ के नहीं बताता हूँ। तो अब स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो देखिए स्टूडेंट ये थ्योरम है लेकिन आपको जानना फार्मूला है, क्योंकि ये साल का शुरुआत तो है नहीं, और आप देखिएगा ये आप मैंने जो कोर्स में करा रहा था, जो अभी 10th में बच्चे उनका मैं छोड़ के आपको करा रहा हूँ, उनको देखिएगा यही चीज़ मैं एक एक घंटे में समझाऊंगा, एक एक घंटे का दो दो घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, मतलब एक चैप्टर पे, लेकिन उतना टाइम तो यहाँ दे नहीं सकते, लेकिन पूरा निचोड़ उसका दे सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट मैं सिर्फ इसका आपको फार्मूला समझा देता हूँ, क्योंकि आपका बस फार्मूला से काम चल जाएगा। ठीक, तो आप बस फार्मूला पे ध्यान दीजिए और ख़त्म कीजिए इस चैप्टर को, झंडे गाड़िए स्टूडेंट चैप्टर पे। देखिए स्टूडेंट आप हम पे भरोसा कीजिए, जो कंपार्ट अब कैंसिल होने वाला नहीं है, आज फिर एग्ज़ाम हुआ है जेईई मेन और नीट का, सरकार एग्ज़ाम करा के रहेगी स्टूडेंट, विश्वास कीजिए मेरा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं या SST के आप स्टूडेंट, आपको अगर कंपार्ट लगता है आप सोच सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए साइंस आप में आपको लग गया तो आप दो दिन भी बचा रहेगा, तो मान लीजिए आप बायोलॉजी रट के पूरा चल गए कुछ पास मार्क्स का आप लिख के लिया, पास मार्क्स बहुत आसान है, 33 नंबर में से प्रैक्टिकल में जितना मिला होगा आउट ऑफ 20 उसको माइनस कर दीजिए, 13-14 जितना आ रहा है उतना ही आपको पास होने के लिए चाहिए। तो स्टूडेंट मैं बता दूँ कि कितना आसान है पास होना, बहुत आसान है। अब स्टूडेंट एक बात मैं बताता हूँ कि बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप दो दिन में रट के पास हो जाएंगे, ये ट्विटर वाले के भरोसे रहेंगे, ये अंतिम में आपको छोड़ देंगे या अपना 1000 का नोट्स दे देंगे, उससे कुछ नहीं होगा, बुड़बक वो जो मैथ्स का नोट बेच रहे हैं बिना लेक्चर के, वो उनसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा, आप ही खुद सोचिए, जो ये लोग कह रहे हैं 500 में नोट्स ले लो, रे बकलेल आदमी, बिना लेक्चर देखे हुए बच्चा कहीं मैथ बना सकता है? लेकिन स्टूडेंट आप यकीन मानिए मेरा जो नोट्स है, मैंने जो नोट्स बनाया है उसको मैंने लेक्चर को ही पूरा डिस्क्राइब किया, लेकिन मैं लेक्चर वीडियो लेक्चर भी बना रहा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि कंपार्ट से दो दिन पहले आप साइंस हो सके रट के पास हो जाए, लेकिन मैथ में जब तक आप 15 दिन 20 दिन मेहनत से नहीं बनाएंगे नहीं हो सकते हैं पास। और मुझे विश्वास है कि आप यहाँ तक आए हैं वीडियो देखते देखते तो आप गारंटेड पास होंगे, लिख के रख लीजिए, आप 80-90 भी ला देंगे, क्योंकि आप अब संभल चुके हैं। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो देख रहा हूँ वीडियो आपका, अभी तक देख रहा हूँ, आप हमको क्यों डांट आपको नहीं रहे, आपको एक समझा रहे हैं कि आप भटकिएगा नहीं, क्योंकि आप सही रास्ते पे आ चुके हैं। बहुत तो अभी मैं देख रहा हूँ कंपार्ट वाला सब बेवकूफ़ की तरह लगा हुआ है, ये कैंसिल करवाओ नहीं पढ़ेंगे, कहीं कैंसिल हो गया तो पढ़ के क्या करेंगे, तो उन लोगों के चक्कर में मत पड़े। अगर कोई दोस्त आपका फ़ोन करता है कहे पढ़ रहा है रे, कोई ट्वीट करके हमारा कैंसिल करवा दे रहा है, ये करवा दे रहा है, वो करवा दे रहा है, नहीं होने वाला स्टूडेंट कैंसिल, मोदी सरकार नहीं करेगी गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट का कहना है कि वो एग्जाम लेगी क्योंकि उन बच्चों का भविष्य देखना है। मैं मानता हूँ कि उसे बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, लेकिन क्या कीजिएगा स्टूडेंट, आप ही बताइए। इसलिए पढ़ाई कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वही था, लेकिन इसको समझना काफ़ी आसान है। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है b1c2 - b2c1 और a1b2 - a2b1। नोट्स बनाते चले सारे बच्चे। और y बराबर है c1a2 / a1b2 और c2a1 a2b1। ये फार्मूला आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का याद रखना है, x निकालने के लिए, y निकालने के लिए। ये अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि सर ये आप क्या लिख दिए, अब हम इससे कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फार्मूला का आप पहले लिखिए, दो मिनट आराम से आप फार्मूला लिखिए, मैं पॉज करता हूँ तब तक। चलिए स्टूडेंट, पॉज करके लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि वो फार्मूला अब आपको काम आएगा। देखिए कभी भी पढ़िए, ये कोई कॉमेडी नहीं चल रहा है, कॉपी की कलम लेकर पढ़िए, क्योंकि आप यहाँ तक पढ़ के आए हैं तो स्टूडेंट कहीं आप स्टाम्प पेपर है तो आप हमको भेज दीजिए, हम उस पर साइन करके देते हैं कि आप कंपार्ट में पास करेंगे। इसी तरह पढ़ते रहे स्टूडेंट। आज जो भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने कोर्स का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कोई बच्चा अगर कोर्स लिया हुआ कमेंट करता है, ऐसे तो मैं बोल दिया हूँ कि आप कोर्स वाले को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, क्योंकि उनका तो मैं व्हाट्सएप पे ही जवाब दे देता हूँ। जो भी कि टारगेट में दिक्कत हो रहा है सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज वो तीसरे चैप्टर भी कंप्लीट कर जाएंगे स्टूडेंट, और धीरे धीरे चार चैप्टर, पाँच चैप्टर, और दो दिन के अंदर तो एपी बना जाएंगे, और 26 नंबर तो उनके ऐसे ही कन्फर्म हो गए, कट भी जाएगा तो 20 नंबर उनको मिलेगा। इसी तरह आप भी कीजिए। और स्टूडेंट आज बताने में बहुत खुशी हो रही है कि 57 से 60 बच्चे कोर्स लिए हुए हैं, अभी तो मैं देखा भी नहीं हूँ, बहुत लोग को तो अभी तक मैं नोट्स भी नहीं दिया हूँ, क्योंकि आज भी 7-8 बच्चे इनरोल किए हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भीड़ नहीं लगाना चाहता हूँ। और इसमें एक बच्चा मुझे फालतू मिल गया था, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में सिर्फ गाली लिखे जा रहा था, तो उसको मैंने आज रिमूव कर दिया, शायद वो देख रहे हो, तो अगर आप सुधरते हैं तो दोबारा मैं आपको इस कोर्स में ले लूँगा। और उसी बच्चे के लेकर आज मैं बहुत समझा रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट देखिए, 5x + 3y = 35 एक इक्वेशन है, और 2x + 4y = 28 इक्वेशन। अब स्टूडेंट इसको कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका एक्स वाई का वैल्यू निकाले, जहाँ भी इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है एक्स वाई का वैल्यू ही निकालना रहता है। तो इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, लेकिन अगर आप वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें आपको इक्वेशन बनाना होगा। जैसे अभी इनकम वाले क्वेश्चन में कैसे हमने इक्वेशन बनाया, उसी प्रकार आपको इक्वेशन बनाना होगा। अब आप कहेंगे कि सर वो तो हमसे बनबे नहीं करता। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, और इत्मीनान से एनसीईआरटी सॉल्यूशन में से देखिए इक्वेशन लिख लीजिए, और सोचिए कि ऐसा इक्वेशन उन्होंने कैसे बनाया, और इसको सॉल्व अपने से कीजिए, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे इक्वेशनों को आपको ऐसे लिख देना है, नया से 5x + 3y 35 को इधर लेके आना है और जीरो लिख देना, और इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में। और स्टूडेंट 2x + 4y और -28 = आपको जीरो लिख देना, ठीक। ये फंक्शन है, इसी को कहते हैं स्टूडेंट a1, इसको कहते हैं b1, इसको कहते हैं c1, इसको कहते हैं a2, इसको कहते हैं b2, इसको कहते हैं c2। बस x की फार्मूला, x का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो b1 c2 ये वाला पढ़ा थोड़ा, इसीलिए मैंने बोला लिख लो सारे बच्चे ये वाला। बस उठा उठा के वैल्यू डालिए, b1 का वैल्यू कितना है 3 है, c2 का वैल्यू कितना है, साइन के साथ डालिएगा। यहाँ पे +3 हो तो लिखने के प्लस जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट -28 है तो यहाँ लिखिए -28, फिर माइनस दीजिए। यहाँ पे b2 का हमने लिखा, कितना b2 का लिखा, तो 4 - -35। उसी प्रकार हमने 5 - 4 लिखा, a2 b2 का फिर 2 - 3। यहाँ से आप पुट कीजिए, आपको वैल्यू कितना आएगा, -84 आएगा, और --140 आएगा, तो बट्टे में 20 - 6 आएगा, 5 - 4 = 20, ये 14 हो जाएगा, 8 - 84, ये -- प्लस हो जाएगा, +140, यानी 56/4 हो जाएगा स्टूडेंट। और इसको हम लोग कितना, माफ़ कीजिएगा, 14, इसको हम लोग कितना कहेंगे, 4 कहेंगे। और इसी तरह स्टूडेंट इसको पुट नहीं कर देना, अब कुछ बच्चे यहीं इसी 4 को यहाँ पुट करके निकाल देंगे वाई का वैल्यू, तो आपका सही निकलेगा, लेकिन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर वाई पे ये फार्मूला डालिए, आपका बन गया। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन मेथड है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीनों मेथड को हमने बड़े शानदार ढंग में सीखा है स्टूडेंट।
बहुत शानदार ढंग में चार नंबर आपके कंफर्म लीजिए। अब स्टूडेंट दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन ही अब मैं कराऊंगा क्योंकि अब दो में चैप्टर ही समाप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जैसे ही आते हैं 3.5 में तो आपको कुछ एक इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है। 3.5 के बाद मैं बताता हूँ 3.6 तक, 3.6 में है यानी पेज नंबर 63 पे कि सॉल्व करना है पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 13 और 5x माइनस 4y बराबर माइनस 2। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर अब हम इसको क्या करें, ऐसा इक्वेशन तो आज तक हमने देखा भी नहीं। तो घबराइए मत, बड़े धैर्य के साथ देखिए। जब भी ऐसा इक्वेशन है स्टूडेंट इसको हम लोग अपनी भाषा में तोड़ लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं लिखूं 2 × 1/x तो इसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर आप पागल हो गए हैं क्या, 2 × 1 2/x कहेंगे। तो स्टूडेंट पहले इक्वेशन में एक एक करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये 1 है और ये 2 है। तो अब देखिए स्टूडेंट पहले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते ठीक, तो क्या 2/x को हम 2 × 1/x लिख सकते हैं ऐसे कोष्ट में रखिए? उसी तरह 3y को क्या 3 × 1/y लिख सकते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं दीजिएगा, इच्छा होगा तो दीजिएगा, नहीं भी देने पे स्टूडेंट मान लीजिए हमने लिखा 4 × 3 तो ये मल्टीप्लाई ही मतलब होता है, अंडरस्टूड होता है। अब 13 लिख दीजिए। उसी तरह नीचे वाला को भी लाइए 1/x और माइनस 4 × 1/y जो भी आपका हो, अगर जेड में इक्वेशन हो तो जेड जो भी हो, माइनस 2 यहाँ पुट कर दिया। अभी कोई भी बच्चा हेल्प बुक ना बनाए, आई एम रिक्वेस्टेड, बहुत उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कोई बच्चा हेल्प बुक ना बनाए। हेल्प बुक बनाए अगर वो लगातार 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहा है तो बनाए, लेकिन स्टूडेंट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप NCERT पे फोकस करें, उसका एक एग्जाम्पल भी ना छोड़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट 10th का मैथ, बहुत इंटरेस्टिंग, आप प्लीज़ उसको पढ़ें। हम लोगों भी ने पढ़ा है और बहुत अच्छे मार्क्स लाए स्टूडेंट, हमने भी पढ़ा है मैथ को, काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया है मैथ में क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है बनाने में, सही से कोई समझाने वाला आपको नहीं मिलता है और मैं समझा रहा हूँ सही से। अब स्टूडेंट ऐसे तो हमने लिख लिया, अब क्या करना है कि आपको पुट करना है, पुट 1/x इक्वल टू यू और 1/y इक्वल टू भी, 5 क्वेश्चन इस पे बनाइए ना आपका कंप्लीट हो जाएगा, पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए 1/x को हम लोग यू पुट करते हैं तो 2u हो जाएगा, प्लस 1/y को भी पुट करते हैं तो 3v हो जाएगा, y 1/y की जगह भी लिखे 13, ये इक्वेशन हो जाएगा हमें स्टूडेंट 3rd। इसको तो हमने इसी प्रकार लिखा है तो इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं। सेम उसी तरह 5u प्लस माइनस 4v लिख देंगे बराबर माइनस इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट इसको हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, अभी हमने पढ़ा कौन कौन से मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और अपना ये कौन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड से आपकी इच्छा हो उससे इसकी यू भी की वैल्यू निकालिए। अब ये आपका क्वेश्चन होगा कि सर अभी तो हम एक्स वाई का वैल्यू निकालना जाने, यू भी का कैसे निकालें? स्टूडेंट एक्स वाई यू भी ए बी सी डी ई एफ जी एच जितना भी हो वो सब वेरिएबल चीज़ है, वैल्यू चेंज होता रहता है। तो वहाँ पे एक्स था वाई था, क्या हो गया यहाँ पे यू भी है, यहाँ पे यू भी है, तो मैं यू भी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं एक बच्चा था जिसको मैं पढ़ाया था तो उसको मैंने इक्वेशन दिया कि 2x = 1 होता है, एक्स इक्वल टू, घबराइए नहीं, वो 4th क्लास का बच्चा था, x = 1/2 होता है क्योंकि ये 2 आ गया, तो उन्होंने ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, तो उसने कहा कि ठीक है भैया ये हम बना दें। उसको मैंने क्वेश्चन दिया कि 2u = 1 तो बना के दिखाओ, तब वो क्वेश्चन में सोच रहा है कैसे बनाए कैसे बनाए, अरे ये क्या है एक्स है, तो उसकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, बच्चा है पहली बार देखा, आप समझ सकते हैं यू बराबर आप क्या लेंगे 1/2, मेथड तो वही है बस वही सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो मान लीजिए हमको एक इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या सीखा कि हमें कोई एक इक्वेशन सॉल्व करना है तो कोई एक इक्वेशन सॉल्व कीजिए,
मान लीजिए हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, तो 2u बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3v, u बराबर हो जाएगा 13 प्लस 3v बाय 2। अब इसको जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया उसमें नहीं, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। आप लिखिएगा इंग्लिश में पूरा सेम उसी तरह जिस प्रकार सब्स्टिट्यूशन हमने पहले किया है, उसी तरह xy का वैल्यू निकाला था, यहाँ u भी है, तो आप पुट करके देखिए। तो 513 प्लस 3v बटा 2 माइनस 4v बराबर माइनस 2। यहाँ पे आगे हम लोग इसका कर लेंगे, यानी समझ में आना स्टूडेंट, बस यू की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक। और x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो हमने एक्स वाई का फार्मूला बैठाया उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 5 या 65, और हम लोग यहाँ पे 3 भी दे देंगे बाई 2 माइनस 4 भी बराबर माइनस 2। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका u का वैल्यू मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी सॉल्व काफ़ी लंबा जाएगा। कहीं कहीं स्टूडेंट आप जब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहाँ u भी को पी क्यू मान लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पी क्यू ए बी कुछ भी मान सकते हैं, u भी कुछ भी मान सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये आएगा, ठीक। आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका u का वैल्यू 2 आएगा, यानी बुक में p माना हुआ है, q माना हुआ है, तो घबराना नहीं है, p q a भी राम से हम आप कुछ भी मान सकते हैं, और v की वैल्यू 3 आएगी। फिर आप निकाल के u की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ किसी अन्य इक्वेशन में, तो आपका ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, तो आपका तो एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ तो निकला u का वैल्यू और v का वैल्यू। देखिए स्टूडेंट घबराना नहीं, इक्वेशन बनाना आपने सीख लिया, ये तीन मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस किसी मेथड से आप यू वी का वैल्यू निकाल दीजिए, जैसे एक्स वाई का निकाले इक्वेशन, एक्स वाई वाला हमने इक्वेशन देखा तो उसमें भी तो ऐसे ही था, यू वी का वैल्यू निकाला। अब देखिए 1 by x बराबर यू था, यानी कि 1 by, अब तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो 1 by x बराबर हमने यू माना, तो 1 by x बराबर यू की वैल्यू 2 है, तो 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो स्टूडेंट 1 by 1 का 1 का 1 होगा और इक्वल टू 2x, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 बराबर अगर x रखे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by 2। सेम उसी प्रकार स्टूडेंट y की वैल्यू निकालना हो तो 1 by y बराबर v था, तो 1 by y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 है तो y का y रह जाएगा, तो 3y बराबर 1, y बराबर कितना हो जाएगा, 1 by, दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, y बराबर 1 by 3। ये था स्टूडेंट ऐसे वाले इक्वेशनों को सॉल्व करना, बहुत इजी है, बस ऐसे मान लीजिए और जैसे पहले सॉल्व किया वैसे कीजिए। तो इसको बहुत डिटेल में बताया है मैंने, बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट अभी अगर आपके पास कोई खास कलम हो तो जो एनसीईआरटी का 65 नंबर पेज है उसमें एक क्वेश्चन है आपको बो टेस्ट स्ट्रीम वाला, यानी एग्जाम्पल नंबर 19, इसको यहीं पर समझ लीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को, ये बोट वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा, और इसको सॉल्व मैं नहीं करूँगा, सॉल्व आपको करना है होमवर्क में, और करके इस क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी ईमानदारी से, आप कोर्स लिए हो ना लिए हो आप हमें मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी बता देता हूँ, एक नया मेल आईडी आप ही लोग के लिए मैंने बनाया है, सारे बच्चों के लिए, कंपार्ट वालों के लिए, studentcourse@cbseteacher.gmail.com, माफ़ कीजिएगा studentcourse@cbseteacher.gmail.com पे आप मेल कर दीजिएगा हमें, या आप फेसबुक पे अपलोड कर दीजिएगा #cbseteacher के नाम से, मैं खोज लूँगा उसको, या इंस्टा पे आप हमें डाल दीजिएगा, इंस्टा पे ही डाल दीजिए, मेल कहाँ करने जाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन 4 मार्कर है, स्टैंडर्ड मैथ बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट जितना है वो स्टैंडर्ड मैथ बेसिक मैथ दोनों का है, एक बड़ा क्वेश्चन आप लोग का होता है, और ये कंपार्ट वाले जो कोर्स वाले बच्चे भी देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, कि आपको भी बच्चे हो कि आपका क्वेश्चन होता है कि सर आप हमें बताइए स्टैंडर्ड मैथ का लेक्चर है या बेसिक मैथ का। देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसका फार्मूला साइंटिस्ट ने आविष्कार किया, यही किया जो भी किया हो फार्मूला आप बुक में देखते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला या बेसिक फार्मूला। तो देखो स्टूडेंट लेक्चर है वो बेसिक से स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड तक जाता है, और स्टैंडर्ड तक ही नहीं जाता है, पूरा स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो उसको वन शॉट तो देखना है,
क्वेश्चन आप थोड़ा सा जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है उसको नहीं कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। क्वेश्चन मैथ है तो उसमें स्टैंडर्ड बेसिक क्या है, स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ना टफ होता है, फार्मूला तो सबका एक ही ना होता है, तो इसलिए एक वन शॉट पूरा स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के ही इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन आप अपना जो हार्ड लगे, जो अंतिम एक्सरसाइज का हार्ड हार्ड क्वेश्चन है वो सब कम करें, लेकिन लेक्चर पूरा देखें। लेक्चर स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए और दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, और दोनों को पूरा देखना है। स्टैंडर्ड को भी छोटे छोटे बात पते होने चाहिए, बेसिक वाले को तो पते होनी चाहिए, और मेरा लेक्चर हमेशा छोटे छोटे बातों पे भी निर्भर रहता है, और बड़ी बात तो हम करते ही हैं लेक्चर में, जो बड़े फार्मूले उसको भी डिस्क्राइब करते हैं, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बोथ ऑफ द आर इम्पोर्टेंट फॉर द लेक्चर, इसलिए आप दोनों लोग देखें। ये क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन आप जैसे हो उसको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन उसको छाँट के चलें, हल्का हल्का क्वेश्चन। जैसे अभी मैं बेसिक मैथ वाले को कहता हूँ कि कोई भी आप चैप्टर बनाए तो पहले जितना भी एग्जाम्पल है उसको बना जाए, शुरुआत की एक्सरसाइज 5 मान लीजिए कि फर्स्ट एक्सरसाइज को ना छोड़े, सेकेंड एक्सरसाइज को ना छोड़े, हर एक चैप्टर में 3-3 एक्सरसाइज है, 3-4 अंत की एक्सरसाइज, उसमें से कुछ एक दो कम क्वेश्चन बनाए, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा चले। तो स्टूडेंट चलिए, ये बोट गोज, यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट बोट का, बहुत अभी तो मेरा बहुत स्थिति खराब है स्टूडेंट अभी गर्मी से, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब होता है स्टूडेंट इस तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, और डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ आना। तो एक बोट है 44 अपस्ट्रीम जाता है 30 किलोमीटर, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है, 10 घंटे में जाता है और 13 घंटे में आता है। स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा, माफ़ कीजिएगा, डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर मतलब 10 घंटे में वो नीचे आता है, इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डिटरमाइन कह रहा है स्पीड करने के लिए स्ट्रीम एंड बोट का स्टिल वाटर में। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि स्टिल वाटर किसको कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टिल वाटर मीन्स होता है स्थिर पानी। जैसे ये मैंने वाटर की तस्वीर ड्रॉ की, तो एक यहाँ पे स्थिर पानी कहता हूँ, माफ कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि लाइट अभी चली गई है, थोड़ा सा लाइट यहाँ बढ़ा होगा। तो स्टूडेंट स्टिल वाटर कहने का अर्थ है कि जो पानी एकदम स्थिर हो, मतलब वो हिल नहीं रहा हो ना डूल रहा, एकदम स्थिर हो। तो उस पर अगर मान लीजिए आप नाव चलाएंगे, तो आप अगर 30 किलोमीटर उस नाव को दौड़ाते हैं तो 30 किलोमीटर से ही दौड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर पानी का बहाव हो, पानी आप देखेंगे कि पानी चलता रहता है, तो कोई भी चीज़ दुनिया में चलता है, निर्जीव हो लिविंग थिंग्स हो या सजीव हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी हो, उसका कुछ स्पीड होता है। मान लीजिए कोई पानी चल रहा है, गंगा का धार बह रहा है, तो उसका कुछ स्पीड होगा। तो आप अगर इस तरफ जा रहे हैं 30 किलोमीटर से, और पानी 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 37 किलोमीटर पर आवर यानी 37, क्योंकि पानी की भी रफ्तार है तो वो भी तो आपको जोर देगी ना। अब आप कहेंगे कि सर वो कैसे जोड़ेगी, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए स्टील वाटर में आप अपना बोट खड़ा कर दीजिए, जो आपका ये अपना जो भी आपका नाव है बोट है उसको आप यहाँ पे खड़ा करा दीजिए, तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। अगर पानी का बहाव रहा तो बिना आपके ये हाथ पैर मार ही वो धीरे धीरे घसकेगा पानी में ही। आप कुछ अगर बहता पानी में रख देते तो तैर, मतलब अगर वो आगे चलने लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पानी की भी रफ्तार होती है, तो दोनों रफ्तार जुड़ जाएगा। और मान लीजिए स्टूडेंट पानी की रफ्तार इस तरफ है और कोई इस तरफ से आ रहा है, तो 30 किलोमीटर मान लीजिए इस तरफ से आ रहा है, तो 7 किलोमीटर ये आपको धक्का मारते रहेगा बार बार, तो आपका 7 किलोमीटर स्पीड कम हो जाएगा यानी 23 किलोमीटर रहेगा। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर ऊपर जाता है और 44 किलोमीटर नीचे आता है 10 घंटे में, और 40 किलोमीटर ऊपर और 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊपर जाता है, 55 किलोमीटर नीचे आता है, तो उसका स्पीड बनाइए। तो हम लोग मान लेते हैं कि बोट की जो स्पीड है लेट बोट की जो स्पीड है, यानी कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश अच्छा से लिखिए, मैं तो जल्दी में बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर मान लेते हैं बराबर। और जो स्ट्रीम है मतलब पानी है, तो अब उसमें धारा चलेगा ना, स्ट्रीम स्टील वाटर तो होगा नहीं, स्थिर पानी धारा नदी में चलता रहता, उसको मान लेते हैं वाई किलोमीटर। तो अब आपको बता दूँ स्टूडेंट कि
एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 44 किलोमीटर आया 10 आवर में, तो आपको मैं बता दूं कि डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि धारा इधर डाउन स्ट्रीम होता है इस तरफ आना, और डाउन स्ट्रीम में वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि पानी इसी धारा में बह रहा है इस तरफ, तब ना उसका स्पीड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ट्रैवल कर जा रहा है। तो एक स्पीड तो नाव का रहेगा डाउन स्ट्रीम में और वाई उसका भी जुड़ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आप देखेंगे अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में कम ट्रैवल कर रहा है, तो अप स्ट्रीम इधर जा रहा है और पानी इधर से धक्का दे रहा है वाई किलोमीटर से, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर हो जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों का जो टाइम होगा, आप देखें कि टाइम जो लगा वो कितना लगा, 10 आवर। तो हम लोग को यहाँ पे लगाना है कि जब 30 किलोमीटर बोट ऊपर गया, मान लीजिए ऊपर की तरफ अप, मान के लीजिए दिया हुआ अप स्ट्रीम जा रहा है, तो T1 लगेगा कितना, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि फार्मूला होता है टाइम निकालने का, डिस्टेंस बाई टाइम यानी 30/x-y। और T2 कितना हो जाएगा आपको स्टूडेंट, 44/x+y। अब स्टूडेंट ये दोनों टाइम, ये जाने का टाइम लगा, अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकाल दिया, तो देखिए टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जाने का टाइम में कितना डिस्टेंस गया, तो 30 किलोमीटर, और टाइम उसका स्पीड कितना था, x-y, तो दिए तो T1 निकल गया। अब यही T1 और वैसी T2 निकल गया। अब दोनों टाइम को जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ आने जाने में 10 घंटा लगता है, तो 10 आवर, तो इसको जोड़ दीजिए, यानी 30/x-y प्लस 14/x+y, तो 10 आवर। इसी प्रकार स्टूडेंट दूसरे बोट का हम लोग बनाएंगे, तो 40/x-y और 55/x+y आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आपको मैं बता दूं, 13 आवर। बस स्टूडेंट यहीं पे आप कमाल कर जाइए और होमवर्क लिख लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको जो मेथड से मानो। तो आप कहेंगे कि सर हमने तो ऐसा इक्वेशन पढ़ा है 2x+3y=10 वाला, यहाँ पे 3x+5y=9 वाला, तो घबराइए मत, इसको भी एक भाषा में लिखेगा। तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 × 1/x-y, इसको लिख सकते हैं 44 × 1/x+y, जिस तरह से 2/x को हमने लिखा है ना 2 × 1/x में, उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 1/x-y को हम लोग को स्टूडेंट पुट कर देना है u, और 1/x+y को पुट कर देना है v। तो अब देखिए इक्वेशन कैसे लिखाएगा, तो 30u + 44v = 10, और ये लिखा जाएगा 55v = 13। मान लीजिए इसको सॉल्व किया आप सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से, तो यू का वैल्यू आ गया 2 और वाई की वैल्यू वी की वैल्यू आ गया आपको 3। तो बस सॉल्व कर दीजिए, देखिए यू बराबर हमने क्या माना, तो 1/x+y, तो 2 बराबर लिख देंगे 1/x+y, यानी कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2x+2y, कुछ इस प्रकार 2 से x+y में करेंगे तो 2x+2y बराबर 1 हुआ, 2x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो एक इक्वेशन ये हो गया 2x+2y = 1। सेम उसी प्रकार v की वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ भी v की वैल्यू मान लीजिए 3 आया, तो यहाँ 3x+3y = 2 हो जाएगा। बस फिर इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके xy की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ बता देंगे कि स्पीड कितना है, यहाँ मान लीजिए xy, x का वैल्यू आ गया 10 और y की वैल्यू आ गया 15, तो 10 + 15 = 25। ये समझा दिए, होमवर्क बना लीजिए, NCERT में सॉल्यूशन है, आप समझिएगा क्योंकि पूरा हो चुका है। तो जितने भी कोर्स वाले बच्चे हैं या नॉन कोर्स वाले बच्चे हैं, तो वन शॉट देख लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो NCERT बनाना है आपको और नोट्स तो आपको मिल ही गया होगा, तो उसको पढ़ना है। और स्टूडेंट जो बच्चे जो टेस्ट वाले हैं वो घबराएं नहीं, उनका बहुत जल्दी मैं टेस्ट कराने वाला हूँ, ठीक। तो AP तक आप पढ़ लीजिए, तो आपका टेस्ट कराता हूँ, तो टेस्ट में काफ़ी बच्चे हैं, ठीक। तो आप लोग 57 बच्चे तो अभी तक हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 50 बच्चे तो टेस्ट देंगे ही और ईमानदारी से देंगे, तो उनका देखते हैं कितना नंबर आता है, क्योंकि AP तक 26 नंबर का पोर्शन है, मैं 26 नंबर का ही क्वेश्चन डिजाइन करूँगा, देखते हैं उसमें आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो तैयारी करते रहिए, टेस्ट का ऐलान मैं किसी दिन कर दूँगा, और जो नॉन कोर्स वाले बच्चे वो भी पढ़ते रहे, अपना काम करते रहें, स्टूडेंट आप ही करते रहें। अगर आपके पास वक्त है तो आप कोर्स वाली वीडियो ज़रूर देखें अगर नए बच्चे हैं। और आपको बता दूं कि ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं था सिर्फ, हमने
पूरा कंप्लीट करा दिया है। इस टाइप की नोट्स होती है, बहुत ख़तरनाक नोट्स है ये टेस्ट की, माफ़ कीजिएगा शॉर्ट नोट्स है। तो जो भी बच्चे हैं उनसे मैं कहता हूँ कोर्स की वीडियो देखें, हो सके तो कोर्स ले लीजिए, आपका बहुत फ़ायदा ही होगा, बहुत फ़ायदा होगा स्टूडेंट। और जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन सब है उसको कर दीजिए, ठीक। ये सब जितना भी क्वेश्चन है आज ये समाप्त हो चुका है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूँगा या हो सके एपी पढ़ा देता हूँ, ये 5 चैप्टर मैं शुरू में कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ये स्टैटिक प्रोबेबिलिटी कराऊंगा। तो जो बच्चे कोर्स जरूर लें, मैं उनसे कहूँगा कि कोर्स लेंगे आपका बहुत फ़ायदा होगा, एक सही गाइडेंस आपको मिलेगा। और यहाँ भी है तो आप सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए। दोनों बच्चों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और झंडे गाड़ते रहें चैप्टर वाइज, ठीक है। और बच्चे आपको मैं बता दूँ एक बात, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि कोई बच्चा अगर डायरेक्ट है लीनियर इक्वेशन पढ़ने आए, अगर उसको लग रहा है कि आज पहली बार शुरुआत है, घबराइए नहीं, रियल नंबर से स्टार्ट है, तो रियल नंबर से स्टार्ट कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में रियल नंबर टेस्ट सबकी, ये माफ़ कीजिएगा कोर्स की, तो आप वहाँ से वीडियो जाके देखें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।